एमपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीति और भी गर्मा गई है। अब सीएम शिवराज की एक आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विद कांग्रेस नाम के एक अकाउंट से विवादित पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें सीएम की तस्वीर के ऊपर मामा का श्राद्ध लिखा हुआ है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह का फोटो लगाकर नीचे लिखा है कि श्राद्ध में बीजेपी ने दिया शिवराज मामा को टिकट। इस पोस्ट के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय ने आपत्ति जताते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा, गुस्से में तो हूं। आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कैसे कर रहे हैं? मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितना नीचे कांग्रेस आज गिर चुकी है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं, ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंखें मिला पाएंगे? वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। इस पोस्ट के जरिए सिंधिया ने सीएम शिवराज को लेकर बड़ा इशारा दिया है। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि राज्य चुनाव में अपनी आती हुई हार देखकर कांग्रेस पार्टी बौखलाने लगी है और राजनीति के भीतर सुचिता भाषा व सम्मान को भूल चुकी है। रोज एक नए निचले स्तर पर गिरती जा रही है। श्राद्ध मनाना है तो अपने सिद्धांतों का मनाइए। शिवराज जी के साथ करोड़ों माताओं और बहनों का आशीर्वाद है। जिस भ्रष्ट और अहंकारी राजनीति की राह कांग्रेस ने पकड़ी है, वही उसे उसके अस्तित्व के अंत तक ले जाएगी। अब श्राद्ध वाली पोस्ट पर कांग्रेस ने सफाई दी है। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बवेले ने कहा कि कार्तिकेय जी, आपके पिताजी को ईश्वर दीर्घायु दे। यह ट्वीट कांग्रेस ने नहीं किया है, भाजपा में आपके पापा के दुश्मनों ने किया है। कांग्रेस का विरोध शिवराज जी की जन विरोधी नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं। फिलहाल सीएम शिवराज के खिलाफ इस आपत्तिजनक पोस्ट ने सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।